वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते हैं आज 1.80 पे ट्रेडिंग करा है फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक। 5 पैसे की गिरावट फिर से एक बार देखने को मिले, 2.70% की गिरावट देखने को मिले फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के अंदर आज के दिन में। मीन्स टोटली देख सकते हैं आज जो ओपन तो स्टॉक हुआ था फ्लैट ओपन हुआ था, जैसे कि प्रीवियस क्लोजिंग है उसी के साथ स्टॉक ओपन हुआ। जैसे ओपन हुआ स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। मीन्स 1.80 लेवल यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोर्टिव एक्ट होती हुई नजर आ रही है कोल इंडिया सॉरी फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के लिए। तो फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक यहाँ से देख सकते कि बाउंस बैक भी होता है ऊपर के साइड पर, यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड एक्ट हो रहा है। मार्केट कैप देखोगे तो 356 करोड़ की मार्केट कैप है कोल इंडिया की। तो रिसेंटली बाकी के डिटेल जो को फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक की बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों के ऊपर नजर डालेंगे तो देख सकते स्टॉक में यहाँ पे बाउंस बैक किया था। फिर से यहाँ पे आप देख सकते रिसेंटली एक 24 मूवमेंट देखने को मिले। आज के दिन का जो वॉल्यूम है 11 लाख का वॉल्यूम सिर्फ जनरेट हो चुका है कोल इंडिया सॉरी फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के अंदर। ट्रेडेड वैल्यू जो है 20.13 लाख की यहाँ पे ट्रेडेड वैल्यू है फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के लिए। तो बाइंग के लिए 9 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए तकरीबन 3,88,000 क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन डाटा अनअवेलेबल है रिसेंटली यहाँ पे फ्यूचर कंज्यूमर के लिए। तो चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते स्टॉक में देख सकते पिछले 3-4 दिनों से देख सकते बहुत ही चौपी मूवमेंट बनी है। फ्राइडे के दिन हल्की सी तेजी देखने को मिली थी पर आज फिर से गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। मीन्स तकरीबन 1.80 to 1.85 लेवल है जो है वो उसके साथ ही ट्रेडिंग होती जा रही है। मीन्स बहुत ही चौपी मूवमेंट देखने को मिले। तकरीबन इस मंथ का मंथली प्यूट 1.95 लेवल पे जो कि रजिस्टर एक्ट हो जाएगा। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर कंज्यूमर के।